वेलकम गुड इवनिंग कैसे है आप लोग तो यार आज हम करने वाले हैं इंडियन ओलम्पियाड क्वालिफाई फॉर मैथमेटिक्स पास यूर क्वेश्चन मेरा नाम है राहुल रोहि एंड योर वॉचिंग मैच वन ओ वन चैनल हवा यू गाइज कैसे हो भाई हवा यू गाइज हवा यू हवा यू जल्दी से ज्वाइन 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 तो ठीक है यार दिस इज द लेक्चर नंबर सिक्स ऑफ दिस सीरीज तो हमने काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं तो आज भी करते हैं लेट स्टार्ट ऑफ सबसे पहले यार माय नेम इज राहुल रोहिला आई एम अ बीटेक फ्रॉम दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड आई हैव टॉट मोर देन फोर आई हैव टॉट मोर देन फोर इयर्स टॉट फोर मोर देन फोर इयर्स नाउ एंड इन दिस टाइम आई हैव टॉट मोर देन वन लाख स्टूडेंट्स हु हैव लाइक वेरियस एग्जाम्स सच एज ओलंपियाड्स लाइक एन एम ओ एन टी एस सी and सी बी एस सी एग्जाम एंड अदर ओलंपियाड एग्जाम्स है ना ये मेरी कुछ सीरीज हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं तो अगर आप एन टी एस सी की तैयारी कर रहे हैं तो आप एन टी एस सी गुरुकुल मेरी एक सीरीज है ऑन द चैनलेशन और एन टी एस सी तो चार बजे रोज मंडे टू सैटरडे हम पॉजिव क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं वी हैव डिवाइडेड दीज पेपर इन टू फोर जोन साउथ ईस्ट और वेस्ट और हर हफ्ते हम एक जोन को टारगेट करते हैं और वहां के हम सारे स्टेट्स को uh, के क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करते हैं तो नॉर्थ के सारे स्टेट्स कवर हो चुके हैं ऐसे ही हम बाकी स्टेट्स के भी साथ साथ कवर करते रहेंगे सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एनडीए यू कैन फॉलो दिस सीरीज इसके अलावा लर्न हट के मेरी एक सीरीज है जो ओलंपियाड स्पेसिफिक है तो अगर आप पी आर एम ओ आर एम ओ आई एन एम ओ ऐसे ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हैं तो लर्न हट के आप देख सकते हैं ट्यूजडे थर्सडे और सैटरडे को मैं छः बजे इसके लिए लाइव आता हूँ अगर आप आईओ क्यू एम पास क्वेश्चन की डिस्कशन करना चाहते हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आप छह बजे आ सकते हैं मंडे वेंसडे और फ्राइडे को लर्न हट के स्पेशल मेरी एक और सीरीज है अगर आप ये सीरीज फॉलो करना चाहते हैं इसमें हम इंटरनेशनल ओलंपियाड्स की प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं तो आप ये सीरीज भी फॉलो कर सकते हैं साढ़े आठ बजे मंडे टू सैटरडे अब यार ये अगर आप ये सारे कोर्सेस और ये सारी ओलंपियाड की प्रेपरेशन एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से करना चाहते हैं अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे तो उसके लिए आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इसमें आपको लाइव क्लासेस तो मिलेंगे ही साथ में टीचर्स के साथ इंटरक्शन करने का मौका भी मिलेगा क्लास में लाइव पोल्स होते हैं क्विजेस होते हैं तो आप उसमें अपनी रैंकिंग भी देख सकते हैं टेस्ट सीरीज भी होती है और उसका एनालिसिस भी होता है साथ के साथ क्लास में ही लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं तो अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो वो आप क्लास में ही क्लियर करवा सकते हैं इसके अलावा हर तीसरे सेशन के बाद एक स्पेसिफिक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है जिसमें आप अपने सारे डाउट्स भी डिस्कस कर सकते हैं और उनको भी क्लियर कर सकते हैं ठीक है अब यार अन अकेडमी का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अगर ये सारी क्लासेस आपको करनी है तो उसके लिए आपको अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा प्लस सब्सक्रिप्शन और इसके लिए आपको अन अकेडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आपको अपना गोल चूज करना पड़ेगा अगर आप एट्थ क्लास में नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ जो भी आपकी क्लास है आप चूज करिए उसके बाद आपको प्लस पे क्लिक करना है प्लस पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये सब्सक्रिप्शन पेज आ जाएगा अब आप छह महीने का बारह महीने का चौबीस महीने का थर्टी सिक्स मंथस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं रोहिला टेन तो आपको इसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा तो दो साल का कोर्स का कॉस्ट है ओनली ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड दो साल का और एक साल का कॉस्ट है तो, इसमें अगर आप मेरा भी मिलेगा, तो मतलब आपको दो साल का कोर्स सिर्फ बीस हजार रुपए में मिल जाएगा तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लीजिए आप अपनी प्रेपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं इंडिया के बेस्ट टीचर्स आर ऑन दिस प्लेटफॉर्म जो बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप प्लेटफॉर्म पे आइए बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है बहुत ही सस्ता है एंड इसका फायदा उठाइए इसके अलावा देर इज वन मोर सब्सक्रिप्शन दी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इसमें क्या फायदा है बेसिकली इसमें आपको जो सारे पुराने सब्सक्रिप्शन है उसके फायदे तो मिलेंगे ही साथ ही साथ आपको इसमें एक पर्सनल गाइड पर्सनल मेंटोर मिलेगा जो आपको बेसिकली हेल्प करेगा आपके स्टडी रूटीन को डेवलप करने के लिए आपका स्टडी प्लानर आपको कैसे पढ़ना है और आपको किस हिसाब से क्या एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपकी स्टडीज से रिलेटेड सारी लेगा ले और आपको बहुत ज्यादा तो आप आप अलग अलग क्रिएटिविटी की क्लासेस मिलेंगी जिनको आप यूज करके अपनी क्रिएटिविटी को बूस्ट कर सकते हैं तो आप अगर ये कोर्स लेते हैं चौबीस महीने का तो कॉस्ट रहेगी फोर्टी 18 महीने की कॉस्ट है 31,500 इसमें भी अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा टेन परसेंट डिस्काउंट भी मिलेगा तो मेरा कोड है रोहिला टेन ये कोड यूज करिए टू गेट एक्स्ट्रा टेन परसेंट डिस्काउंट चलिए यार तो शुरू करते हैं तो मैंने आईओ क्यूएम प्रिपरेशन के लिए पी आर एम ओ और आरएम ओ के ईयर प्रॉब्लम्स इकट्ठे किए हैं एंड वी विल बी डिस्कसिंग दीज प्रॉब्लम्स पी आर एम ओ एज वेल एज आर एम ओ प्रॉब्लम बिकॉज आईओ क्यू एम इस बार जो हो रहा है उसमें बेसिकली आर एम ओ को स्क्रैप कर दिया है RMO, और -RMO और RMO को मिला के आया है तो इसमें के level हमें पता नहीं है क्योंकि ये पहली बार बट वी कैन गेस के क्वेश्चन पी आर एम ओ से तो थोड़े से ऊपर होंगे बट आरएम ओ से थोड़े से नीचे होंगे तो मतलब पी आर एम ओ एंड आरएम ओ ऐसे टाइप के क्वेश्चन होंगे तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पुराने

क्या होगा तो so यार सबसे पहले देख लो यार टू जीरो वन फोर के पास सबसे पहला स्क्वायर किसका आता है जैसे अगर आप चेक करोगे फोर्टी का स्क्वायर यह कितना होगा सिक्सटीन हंड्रेड है ना फोर्टी वन का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो ये कितना होगा फोर्टी uh, वन का स्क्वायर हो जाएगा फोर्टी वन इंटू फोर्टी वन तो ये हो जाएगा फोर्टी वन एंड इफ आई वॉन्ट टू स्क्वाट वन सिक्स एट वन है ना फोर्टी टू का स्क्वायर अगर आप फोर्टी टू का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास आ जाएगा वन सेवन एट फोर फोर्टी थ्री का स्क्वायर करते हैं इफ यू डू अ स्क्वायर ऑफ फोर्टी थ्री तो आपके पास आ जाएगा वन एट फोर नाइन एंड फाइनली अगर आप फोर्टी फोर का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास क्या आएगा वन नाइन थ्री सिक्स है ना वन नाइन थ्री सिक्स इज वेरी क्लोज टू दिस नंबर और अगर आप फोर्टी फाइव का स्क्वायर करते हैं ये क्या आएगा तो ये आप ये इजिली हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं दिस इज टू जीरो टू फाइव है ना तो आप इजिली इसको हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं कि भाई जो ट्वेंट टू जीरो वन फोर है ये किसके स्क्वायर के बीच में लाई करेगा फोर्टी फोर के स्क्वायर में और फोर्टी फोर प्लस वन विच इज फोर्टी फाइव के स्क्वायर के बीच में है ना वेरी सिंपल क्वेश्चन तो इसमें आपको देखना है कि भाई के का वैल्यू क्या हो जाएगा इस केस में फोर्टी फोर आपको बताना है इसका लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा तो मैं फोर्टी फोर को लिख सकता हूं टू इंटू टू इंटू इलेवन तो इसका लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा इलेवन सो इलेवन विल बी दी आंसर ठीक है अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है चलिए तो अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर है तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन कहता है द फर्स्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज टू जीरो वन फोर ठीक है आपके पास एक सीक्वेंस गिवन है उसका पहला टर्म है टू जीरो वन फोर और ईच सक्सीडिंग टर्म इज द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द डिजिट्स ऑफ द प्रीवियस टर्म तो जो अगला टर्म होगा वो क्या होगा जो पिछले टर्म की डिजिट्स हैं उनको क्यूब करके ऐड कर दीजिए वो अगला टर्म होगा तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई टू जीरो वन फोर्थ टर्म क्या होगा इस सीक्वेंस का तो मतलब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ये कह रहा है कि अगर टू जीरो प्लस जीरो का क्यूब प्लस वन का क्यूब प्लस फोर का, का क्यूब ये इसका अगला टर्म होगा तो टू का क्यूब हो गया एट प्लस जीरो प्लस वन प्लस सिक्सटी फोर तो ये कितना हो गया भाई सेवेंटी थ्री तो अगर पहला टर्म है टू जीरो वन फोर तो दूसरा टर्म हो गया सेवनटी थ्री अगला टर्म क्या होगा अगला टर्म के लिए सेवन का क्यूब करिए और थ्री का क्यूब एड कर दीजिए उसमें तो 7 का क्यूब हो जाएगा थ्री फोर थ्री और थ्री का क्यूब हो जाएगा ट्वेंटी सेवन तो दिस विल बी इक्वल टू दिस विल बी इक्वल टू थ्री फिफ्टी थ्री सेवनटी है ना तो ये कितना हो जाएगा थ्री सेवनटी हो जाएगा ओके तो इसी तरह आपको सारे चेक करने आपको बताना है बेसिकली टू जीरो वन फोर्थ टर्म क्या होगा तो देखते हैं यार क्या किया जा सकता है इसमें अगला टर्म निकालते हैं अगले टर्म के लिए आपको क्या करना है थ्री का क्यूब का क्यूब तो हो होगा नाइन ट्वेंटी सेवन सॉरी सेवन का क्यूब होगा थ्री फोर थ्री और जीरो का क्यूब होगा जीरो तो प्लस थ्री फोर थ्री फिर से आपके पास थ्री सेवेंटी आ गया अगर आप अगला नंबर चेक करते हैं तो आपके पास सेम चीज आ रही है सेम थिंग तो अगली बार भी आपको 370 ही मिलेगा तो मतलब पहले दो टर्म्स अलग हैं, लेकिन उसके बाद सारे टर्म्स 370 ही होंगे है ना तो अगर क्वेश्चन कहता है कि भाई इसका ट्वेंटी फोर्थ टू जीरो वन फोर्थ टर्म क्या होगा दैट विल बी इक्वल टू थ्री सेवनटी वेरी सिंपल ठीक है तो आपने ये चेक कर लिया कि बाकी सारे टर्म्स थ्री सेवनटी होंगे क्योंकि सब में थ्री क्यूब और सेवन क्यूब ही आ रहा है जीरो का तो कोई फायदा नहीं है और थ्री क्यूब प्लस सेवन क्यूब इज इक्वल टू थ्री सेवेंटी ठीक है तो ये काफी इंटरेस्टिंग एक प्रॉपर्टी पता चली है नंबर्स की तो ऐसी नंबर थियरी में बहुत सारे इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग पैटर्नस हैं जो आपको नए नए पता लगते रहेंगे अगर आप ऐसे टाइप की प्रॉब्लम्स करते रहेंगे दिस इज वेरी फैसिनेटिंग इसको याद रखना यार काफी इंटरेस्टिंग है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस क्वेश्चन कहता है कि सर आपके पास एक एबीसीडी कॉन्वेक्स क्वारिलेटरल है विथ परपेंडिकुलर डायग्नल्स तो आपके पास एक क्वारिलेटरल uh, मैं एक क्वारिलेटरल बना लेता हूं आ, ऐसा कुछ और इसके डायग्नल्स परपेंडिकुलर हैं दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा ठीक है तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई इसमें लेंथ होगी डी ए की क्या तो मान लीजिए इसको ए बी ये हो जाएगा सी ये हो जाएगा डी और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेट्स से ओ ठीक है ए बी का लेंथ आपको गिवन है ट्वेंटी बी सी का लेंथ गिवन है आपको सेवेंटी सी डी का लेंथ गिवन है आपको नाइनटी है ना आपको बताना है एडी का लेंथ क्या होगा शुड वी देंथ ऑफ एडी तो यार यहाँ पे मुझे बस ये चीज पता है कि भाई ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है चारों तरफ और हमें कुछ नहीं पता है ना तो यार सबसे पहले दिमाग में क्या आता है जब आपको 90 डिग्री एंगल दिखता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है पाइथागोरस थे तो वही हम यहाँ यूज करने वाले वी आर गोइंग टू यूज पाइथागरसम टू सोल्व दिस क्वेश्चन देखते हैं क्या वर्कआउट करता है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा आई स्क्वायर के, के है है? ना? तो आ जाएगा भाई OA square plus OB square. क्या बीस इसका स्क्वायर हो जाएगा चार सौ तो मेरे पास ये पहला रिजल्ट आ गया अब मैं क्या करूंगा ट्राइंगल ओ बी सी लूंगा इस ट्राइंगल में अगेन स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर तो ओ बी बी सी का लेंथ मुझे पता है 70, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, 4900. ये आ जाएगा 4900. तो मेरे पास एक रिजल्ट ये और आ गया अब मुझे निकालना है कि भाई ये तीसरा ट्राइंगल लो ट्राइंगल ओ डी सी इसमें आप सेम चीज अप्लाई करिए आपके पास आएगा रिजल्ट के ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर डी सी क्या है नाइनटी तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा एटी वन हंड्रेड है ना और हमें निकालना है ए डी तो ए डी स्क्वायर क्या होगा ए डी स्क्वायर होगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर है ना ये हमें निकालना है तो अब हम क्या करेंगे हमारे पास यहां पे तीन इक्वेशंस हैं ठीक है थीके? ये हमारे पास पहली इक्वेशन है इज माई सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज माई थर्ड इक्वेशन तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें या तो इन इक्वेशन को कुछ एड सब्ट करके करना पड़ेगा है ना वही मैथड है इसको सोल्व करने के लिए तो हम क्या करेंगे ये हमें रिजल्ट चाहिए हमें ओ ए स्क्वायर और ओडी स्क्वायर हमें एंड में चाहिए ठीक है तो मैं क्या करूंगा फर्स्ट वाली इक्वेशन को और थर्ड वाली इक्वेशन को एड कर लूंगा ठीक है फर्स्ट वाली को और थर्ड वाली को इक्वेशन को एड कर लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा कलर तो फर्स्ट वाली इक्वेशन प्लस थर्ड वाली इक्वेशन इन दोनों को एड किया तो आएगा ओ ए स्क्स स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर कितना होगा 400 हंड्रेड प्लस एटी वन हंड्रेड 8500 फाइव हंड्रेड ठीक है ओके okay. अब मैं क्या करूंगा तो मेरी ये इक्वेशन नंबर फोर आ गई ठीक है लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर फोर द नेक्स्ट स्टेप वुड बी मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा यहां पे देखो ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर आ रहा है इसकी वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है फोर्टी नाइन हंड्रेड है ना तो इसकी वैल्यू मैं डाल दूंगा कितनी फोर्टी नाइन हंड्रेड तो मेरे पास आ जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस फोर्टी नाइन हंड्रेड इज इक्वल टू एटी फाइव हंड्रेड तो बेसिकली मेरे पास आ जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू एटी फाइव हंड्रेड माइनस फोर्टी नाइन हंड्रेड और ये कितना होगा यार सिक्स हंड्रेड ओ ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर कितना आ गया थर्टी सिक्स हंड्रेड तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूं स्क्वायर रूट ऑफ ओ ए स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर तो ये कितना आएगा सिक्स हंड्रेड का स्क्वायर रूट विच इज सिक्सटी तो हमें यही निकालना था यार. OA OD square, ये स्क्वायर के बराबर आ रहा है एडी स्क्टी सिक्स हंड्रेड तो AD का लेंथ कितना आ गया? AD का लेंथ इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. आपको ये समझ आ गया होगा सो इट्स क्वेश्चन हुआ है एंड यू कैन ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ क्वेश्चन कहता है इन अ ट्राइंगल विद इंटीजर साइड वन साइड इज थ्री टाइम्स एज एज लॉन्ग अ साइड साइड द द द लेंथ ऑफ थर्ड इज इज ग्रेटेस्ट पॉसिबल पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल ठीक है तो आपको इसमें बताना है कि भाई ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द पेरीमीटर क्या होगा ठीक है आपको गिवन है सेकेंड साइड तो अगर मैं पहली साइड को मान लू एक्स ठीक है, मान लीजिए पहली साइड है एक्स दूसरी साइड कहता है कि भाई थ्री टाइम्स है है ना? तो दूसरी साइड हो जाएगी थ्री एक्स एंड थर्ड साइड का लेंथ कितना है सेवनटीन है ना अब यार अगर आपको ट्राइंगल की इनिक्वालिटी की प्रॉपर्टी पता हो तो आपको याद होगा कि भाई सम ऑफ एनी टू साइड्स सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड इज ग्रेटर then the third side yes or no तो so, हम यही लॉजिक यहां पे यूज करेंगे हम बोलेंगे भाई अगर मैं इन दोनों साइड्स का सम लेता हूं x प्लस थ्री एक्स शुड बी ग्रेटर देन 17 तो 4x एक्स शुड बी ग्रेटर देन 17 तो x शुड बी ग्रेटर देन 17 बाय फोर ठीक है बाकी दोनों साइड्स का अगर मैं x और 17 का सम लेता हूं तो मेरे पास रिजल्ट आएगा कि भाई x प्लस सेवनटीन should be greater than 3x. So 17 should be greater than 2x. So 17 by 2 should be greater than x. So यहाँ से मेरे पास एक और result आता है कि भाई अगर k x is less than 17 by 2, ठीक है? एक result ये आया, एक result ये आया. अब एक और combination लेते हैं sides का. Let's take one more combination. तो so मैं third combination लूँगा कि भाई uh, एक्स प्लस सेवनटीन एक्स प्लस देन एक्स यहां से आ जाएगा तो तो मतलब यहां से बेसिकली मेरे पास आ गया कि भाई एक्स इज ग्रेटर माइनस सेवनटीन बाय टू ये तो ट्रू होगा ही दिस विल बी ट्रू एक्स इज बी पॉजिटिव तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं ये दोनों रिजल्ट्स को देखते हैं ये दोनों रिजल्ट्स इंटरेस्टिंग हैं यहां से मेरे पास क्या आंसर आता है कि भाई x तो बड़ा होना चाहिए 17 17 17 से से और छोटा होना चाहिए 17 से. है ना तो यह हो जाएगा एट पॉइंट समथिंग एट पॉइंट फाइव तो फोर पॉइंट समथिंग और एट पॉइंट समथिंग के बीच में इसका आंसर होना चाहिए साइड्स क्या है इंटीजर है मतलब नेचुरल नंबर होंगी साइड्स तो फोर से बड़ा फोर पॉइंट समथिंग है तो फाइव हो सकती है वैल्यू सिक्स हो सकती है सेवन हो सकती है एट पॉइंट फाइव तो ये है एट पॉइंट फाइव से लेस होगी तो ये चार पॉसिबल वैल्यूज आपके पास आ सकती हैं है ना अब अगर मुझे मैक्सिमम पेरेमीटर चाहिए अगर ग्रेटेस्ट पेरीमीटर अगर मुझे यहां पर चाहिए तो मैं क्या करूंगा एक्स की वैल्यू सबसे हाइएस्ट डालूंगा विच इज एट तो अगर एक्स की वैल्यू डाली मैंने एट या जाएगा ट्वेंटी फोर या जाएगा सेवनटीन पेरीमीटर के लिए आप तीनों को एड करिए एंड द पेरीमीटर विल गेट इज थर्टी टू प्लस आंसर ठीक है आपके पास आंसर आएगा फोर्टी नाइन तो सिंपली हमने ट्राइंगल इन का यूज करके इसको सॉल्व किया बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बस आपको ट्राइंगल इन याद रखनी है वो तो याद कर ही लोगे वो तो सिंपल है बट ये क्वेश्चन वॉज प्रेटी इजी चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यार अगला क्वेश्चन कहता है कि इफ़ वैल्यू ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस डी स्क्सर इसका वैल्यू क्या होगा ओके okay. तो क्या करें यार वट शुड वी डू बहुत सारे रिजल्ट टू सी प्लस थ्रीवल टू डी प्लस फोर इज इक्वल टू ई प्लस फाइव इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस ई थ्री ठीक है तो मान लीजिए ये सब कुछ बराबर है कोई नंबर के मान लीजिए नंबर है के ठीक है लेट्स ऑल ऑफ दिस इज इक्वल टू के तो अगर ए प्लस वन इक्वल टू के है तो ए क्या आ जाएगा के माइनस वन है ना सिमिलरली तो ये एक रिजल्ट ले लेते हैं सिमिलरली बी प्लस टू अगर के के बराबर है तो बी आ जाएगा के माइनस टू के बराबर मेरे पास एक और रिजल्ट आ गया प्लस थ्री अगर के के बराबर है तो सी का वैल्यू आ गया के माइनस थ्री अगेन एक और रिजल्ट आ गया सिमिलरली अगर डी प्लस फोर इज इक्वल टू के तो डी आ जाएगा के तो ई आ गया के माइनस फाइव ठीक है तो एक और रिजल्ट मेरे पास यहां पे आ गया और लास्ट में आपको क्या गिवन है लास्ट में आपको गिवन है कि भाई ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस थ्री इज इक्वल टू के आपको यह है। रिजल्ट है अब यार यहां पे इन सब की वैल्यूज डाल दो ए क्या है के माइनस वन बी क्या है के माइनस टू सी क्या है के माइनस थ्री डी क्या है के माइनस फोर ई क्या है के माइनस फाइव प्लस थ्री इज इक्वल टू के तो ये कितने के हो गए भाई फाइव के हो गए ये हो जाएगा थ्री सिक्स टेन फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन प्लस थ्री थ्री कोल्ड टू के तो फोर के आ जाएगा मेरे पास ट्वेल्व के बराबर तो के आ जाएगा थ्री के विल कम आउट टू बी थ्री है ना अगर फोर के आ रहे ट्वेल्व के बराबर तो के का वैल्यू आ जाएगा थ्री तो अगर के का वैल्यू आ गया थ्री अब क्वेश्चन करना आसान है क्योंकि ए का वैल्यू फिर क्या आ जाएगा ए का वैल्यू आ जाएगा थ्री माइनस वन विच इज टू बी का वैल्यू क्या आएगा थ्री माइनस टू विच इज वन सी का वैल्यू क्या आ गया जीरो डी का वैल्यू क्या आ गया माइनस वन ई का वैल्यू क्या आ गया माइनस टू तो आपके पास पांच वैल्यूज आ गई आपको बताना है इनके स्क्वायर्स का सम क्या होगा स्क्वायर करके ऐड कर दो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा फोर स्क्वायर हो जाएगा वन सी स्क्वायर इज वन स्क्टर तो इसका आंसर क्या होगा ten. Very simple. है ना तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा सिंपल क्वेश्चन था आपको मेन चीज यहां पे क्या करना था इसको पुट करना था के के बराबर एक बार अगर आप ये कर देंगे तब क्वेश्चन करना बहुत ही ईजी है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यार लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन लाइन तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू नेचुरल नंबर एन फॉर विच दिस इक्वेशन हैज इंटीजर रूट्स इस इक्वेशन के कैसे रूट्स हैं इंटीजर रूट्स हैं तो एन की वैल्यू क्या होगी ठीक है ओके okay. <laughs> तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करें ओके okay. तो आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स प्लस टू जीरो वन फोर इज इक्वल टू जीरोन क्या है एन इज नेचुरल नंबर है ना मान लीजिए अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा एन के बराबर है ना एन क्या है एक नेचुरल नंबर है और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा टू जीरो वन फोर के बराबर इसके हैं इंटीजर रूट्स है ना रूट्स कैसे हैं इसके इंटीजर है अब क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है एन के बराबर आ रहा है और N क्या है एक नेचुरल नंबर तो आप बोल सकते हैं कि भाई इनमें से या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर जो बड़ा वाला है वो पॉजिटिव होगा मतलब अल्फा या बीटा में से कोई एक बड़ा होगा और वो पॉजिटिव होगा और इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है टू जीरो वन फोर एक बार टू जीरो वन फोर का फैक्टराइजेशन करके देखते हैं ठीक है

16, 17, सेवनटीन से होगा एटीन uh, से नहीं नाइनटीन से इन हाँ नाइनटीन से हो जाएगा यार यू कैन डिवाइड दिस विद नाइनटीन नाइनटीन टाइम्स फाइव नाइन्टी फाइव हो जाएगा और थ्री सा और यह आ जाएगा फिफ्टी थ्री टाइम्स वन ठीक है तो इसके फैक्टर्स क्या क्या आ गए टू नाइनटीन इंटू फिफ्टी थ्री तो टू जीरो वन फोर को मैं कैसे लिख सकता हूं या तो मैं इसको लिख सकता हूं कि भाई ये हो सकता है वन इंटू टू जीरो वन फोर है ना या फिर ये हो सकता है टू इंटू वन जीरो जीरो सेवन या फिर ये क्या हो सकता है ये हो सकता है नाइनटीन इंटू वन जीरो सिक्स या फिर ये हो सकता है थर्टी एट इन फिफ्टी थ्री है ना हमें क्या बोला गया है इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन एन क्या है एक नेचुरल नंबर तो मुझे मुझे क्या चाहिए सम ऑफ नेूट मिनिमम होना चाहिए दिस वैल्यू शुड बी मिनिमम सम ऑफ रूट क्या होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए तो अगर सम ऑफ रूट्स मिनिमम होगा यहां पे ऐड करके देख लो टू जीरो वन फाइव यहाँ पे जीरो जीरो नाइन ये छोटा है इससे ये इससे भी छोटा होगा और सबसे छोटा क्या होगा लास्ट वाला थर्टी एट प्लस फिफ्टी थ्री अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर है ना तो आप अल्फा बीटा को लिख सकते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स थर्टी एट एंड फिफ्टी थ्री और सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा नाइनटी वन विच इज द स्मॉलेस्ट सम ऑफ रूट्स आउट ऑफ ऑल दीज कॉम्बिनेशन ठीक है तो ये इसका आंसर होगा यार आई होप दिस मेक्स सेंस टू ऑल ऑफ यू क्लियर है ओके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपको गिवन है कि भाई x का पावर x का पावर फोर इज इक्वल टू फोर आपको इसका वैल्यू बताना है आपको वैल्यू बताना है x का पावर x का पावर स्क्वायर प्लस x का पावर x का पावर एट ठीक है इसका वैल्यू क्या होगा ठीक है अब यार फोर कब आ सकता है फोर आने के चांसेस कब कब होते हैं या तो ये हो सकता है फोर का पावर वन है ना या फिर हो सकता है भाई कि इसको सॉल्व किया हो टू स्क्वायर आया हो टू स्क्वायर होता है वन या फिर इसको भी लिख सकते हैं रूट टू का पावर फोर रूट टू का पावर फोर विल ऑल्सो भी फोर है ना तो अगर मेरे पास ये रिजल्ट आ रहा है मान लीजिए इसको मान लेते हैं केस नंबर वन इसको मान लेते हैं केस नंबर टू इसको मान लेते हैं केस नंबर थ्री तो अगर मैं केस वन लेता हूं इसका मतलब क्या है कि भाई एक्स का पावर एक्स का पावर फोर आ रहा है फोर का पावर वन के बराबर मतलब एक्स का पावर एक्स इज इक्वल टू फोर आ रहा है और एक्स का पावर फोर आ रहा है वन के बराबर मतलब तो रिजल्ट आ रहे हैं विच आर कॉन्ट्राडिक्टी एक्स एक टाइम पे फोर और वन नहीं हो सकता तो केस वन नहीं चलेगा ठीक है केस वन विल नॉट वर्क तो अब चलते हैं यार केस नंबर टू की तरफ केस नंबर टू क्या है कि भाई इसको आप लिख सकते हैं एज टू का स्क्वायर ठीक है तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू आ गया टू और एक्स का पावर फोर का वैल्यू भी आ गया टू तो अगर एक्स का वैल्यू टू है और एक्स का पावर का फोर का वैल्यू टू है तो एक्स आ गया फोर्थ रूट ऑफ टू तो यार ये भी पॉसिबल नहीं है कि एक्स का वैल्यू टू भी हो और एक्स का वैल्यू फोर्थ रूट ऑफ टू भी हो है ना तो ये केस भी हमने जो लिया है ये भी गलत है केस नंबर थ्री क्या हो सकता है केस नंबर थ्री हो सकता है कि भाई एक्स का पावर एक्स का पावर फोर क्या है रूट टू का पावर फोर तो मतलब एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है रूट टू और एक्स का पावर फोर का वैल्यू क्या आ रहा है फोर एक्स क्या आएगा फोर्थ रूट ऑफ फोर और फोर्थ रूट ऑफ फोर क्या होता है रूट टू अब आप देखेंगे दोनों केसेस में आंसर सेम आ रहा है एक्स का वैल्यू दोनों केसेस में रूट टू आ रहा है एंड दैट इज द करेक्ट आंसर तो एक्स का वैल्यू क्या होगा रूट टू हमें वैल्यू निकालनी है इसकी ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है तो रूट टू का पावर रूट टू का पावर स्क्वायर है ना प्लस रूट टू का पावर रूट टू का, का, का पावर एट तो ये कितना हो जाएगा है? रूट टू का स्क्वायर इज टू तो यह आ जाएगा रूट टू का स्क्वायर प्लस रूट टू रूट टू का पावर एट क्या होगा रूट टू का पावर फोर होता है फोर है ना और उसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा ये सिक्सटीन। तो ये आ जाएगा टू प्लस रूट टू का पावर सिक्सटीन तो मतलब टू का पावर एट टू का पावर एट कितना होगा सिक्सटी फोर वन ट्वेंटी एट टू फिफ्टी सिक्स मेरे पास आंसर आ जाएगा टू फिफ्टी एट दिस विल बी माई फाइनल आंसर पे तो मैंने तीन केस लिए सिंपल सा क्वेश्चन था इसकी वैल्यू या तो फोर के बराबर हो सकती है पूरे की 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 पावर या या रूट की पावर या या स्क्वायर है ना या फिर आप इसको ऐसे भी लिखते फोर्थ रूट का पावर एट, ये भी चल सकता है क्या पता ये वर्क कर जाता तो ट्राई कर सकते थे आई होप दिस मेक्स सेंस टू ऑल ऑफ यू क्लियर चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई लेट एस बी अ सेट ऑफ रियल नंबर्स विद मीन एम ओके एस कुछ मेरे पास एक सेट है रियल नंबर्स का और इसका मीन क्या है मीन इसका एम है तो मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं एन है ठीक है आपको गिवन है कि भाई अगर मीन ऑफ सेट एस यूनियन फिफ्टीन एंड एस यूनियन फिफ्टीन कॉमा वन आर एम प्लस टू एंड एम प्लस वन रिस्पेक्टिवली दे हाउ डज एलिमेंट हैव ओके तो आपको क्या गिवन है कि जो ये सारे नंबर्स हैं अब इनका सम क्या होगा सम क्या होगा यहां पे मीन को मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ तो अब क्या निकालना है, है हमें इन्स का मीन निकालना है कि भाई सारी ऑब्जर्वेशन फिफ्टीन एड कर दी इसको तो इनका सम इनका सम क्या होगा MN तो सम है S का प्लस एक और ऑब्जर्वेशन आ गई फिफ्टीन ठीक है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां पे कितनी हो गई पहले एन थी एक और आ गई तो एन प्लस वन हो गया तो ये किसके बराबर है एम प्लस टू के ठीक है ये बराबर है एम प्लस टू के क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास आएगा एम एन प्लस टू एन प्लस एम प्लस टू तो एम एन और एम एन कैंसिल तो आपके पास पहली इक्वेशन आएगी कि भाई एम प्लस टू एन इज इक्वल टू थर्टीन दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन अब आपको क्या बोला है कि भाई एस यूनियन दो नंबर्स आ गए अब 15 और 1 ठीक है तो इसमें सम नंबर्स का क्या होगा एम है एस वाले टर्म्स का सम और फिफ्टीन प्लस वन सिक्सटीन तो ये सिक्सटीन हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे अब हो गई पहले एन थी और दो ऑब्जरवेशन और एड कर दी तो एन प्लस टू हो जाएगा इसका मीन आपको गिवन है एम प्लस वन क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आपके पास आएगा एम एन प्लस सिक्सटीन इज इक्वल टू एम एन प्लस एन प्लस टू एम प्लस टू एम एन से एम एन कैंसिल हुआ तो आ जाएगा मेरे पास टू एम प्लस एन इज इक्वल टू फोर्टीन ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आई ठीक है अब आपको दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है यहां से एम की वैल्यू लीजिए हमें क्या निकालना है हमें निकालना है एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां से एम की वैल्यू लीजिए आएगा थर्टीन माइनस टू एन और ये वैल्यू डाल दीजिए यहां पे, तो टू टाइम्स थर्टीन माइनस टू एन प्लस एन ये कितना होगा फोर्टीन ये हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स माइनस फोर एन प्लस एन इज इक्वल टू फोर्टीन तो ये आ जाएगा थ्री एन इज इक्वल टू ट्वेल्व एन आ जाएगा फोर इसका आंसर क्या होगा द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी फोर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई फोर हो गई तो अगेन इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा कुछ दिया नहीं था फिर भी हमने सिंपली बेसिक चीजें यूज करके इसको सॉल्व कर दिया तो अगेन नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन इजी है ट्राई कर सकते हो आप मजेदार क्वेश्चन ओके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा नेचुरल नंबर के एल पी एंड क्यू आर सच दैट इफ एंड बी आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए विल बी द रूट्स ऑफ इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ क्यू तो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है एक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस एल इक्वल टू जीरो ऑफ रूट्स क्या आएगा सम ऑफ रूट्स आ जाएगा के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी एल आपको एक और इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो इसमें आपको गिवन है रूट्स हैं एक रूट है प्लस वन अपॉन बी और दूसरा रूट है बी प्लस वन अपॉन ए ठीक है अब क्या करें तो यहां पे सम ऑफ रूट्स क्या होगा पी और सम क्या हो जाएगा ए प्लस वन अपॉन बी प्लस बी प्लस वन अपॉन ए तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी अपॉन ए बी ए प्लस बी का वैल्यू है के ए प्लस बी का वैल्यू है के ए बी का वैल्यू है n ठीक है तो ये वैल्यू किसकी है पी की ठीक है क्यू तो इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है क्यू क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए प्लस वन अपॉन बी इन टू प्लस वन अपॉन ए तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आएगा ए बी प्लस वन प्लस वन प्लस वन अपॉन ए बी ये आ जाएगा टू प्लस ए बी प्लस वन अपॉन ए बी तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं इसको आप लिख सकते हैं टू प्लस ए बी एलसीएम तो आ जाएगा एबी स्क्वायर प्लस वन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हो जाएगा दिस विल बी टू प्लस एल स्क्वायर प्लस वन अपॉन एल को आप लिख सकते हैं टू प्लस एल प्लस वन अपॉन एल इक्वल टू क्यू अब यार आपको गिवन है कि भाई ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं है ना के एल पी और क्यू सारे नेचुरल नंबर्स हैं तो मतलब एल भी नेचुरल नंबर होना चाहिए और क्योंकि क्यू एक नेचुरल नंबर है तो वन बाय एल शुड ऑल्सो बी अ नेचुरल नंबर और अगर एल नेचुरल नंबर है और वन बाय है ये तभी पॉसिबल है जब एल का वैल्यू क्या होगा वन है ना क्योंकि क्यू भी एक नेचुरल नंबर है तो वैल्यू स्पोट कर दीजिए यहां पे तो so आपके पास आ जाएगा टू प्लस वन प्लस वन दैट इज इक्वल टू क्यू क्यू का वैल्यू क्या आ गया फोर यही करना आपको दैट इज द करेक्ट मेथड टू डू इट ठीक है चलिए मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूं दिस इज होमवर्क क्वेश्चन वॉट यू कैन डू इज यू कैन आंसर इन द कॉमेंट्स इसका आप आंसर कर सकते हैं कॉमेंट्स में बता सकते हैं क्या आंसर होगा एंड यू विल गेट अ शाउट आउट इन द नेक्स्ट वीडियो ओके तो चलिए यार आज के लिए इतना ही अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो आप और अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर इस क्लास को या इसके जैसे सारे प्रेपरेशन कोर्सेस को आप कर सकते हैं आप मेरे से क्लासेस ले सकते हैं या कोई और टीचर से भी ले सकते हैं आपको और अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके अपना गोल सेलेक्ट करना होगा उसके बाद सब्सक्रिप्शन आपको प्लस करने पर क्लिक करने पर आ जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं रोहिला टेन तो आपको सब्सक्रिप्शन में टेन परसेंट डिस्काउंट भी मिलेगा दो साल का कॉस्ट है बाईस हजार पांच सौ रुपए एक साल का कॉस्ट है पांच सौ रुपए और इसमें अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं रोहिला टेन तो आपको एक्स्ट्रा टेन परसेंट डिस्काउंट भी मिलेगा तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने पर आपको कोर्स सिर्फ बीस हजार रुपए का पड़ जाएगा विच इज वेरी चीप एंड वेरी बेनिफिशियल फॉर योर स्टडीज तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेक श्योर दैट यू बाय द सब्सक्रिप्शन मिलते हैं अगली वीडियो में मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वन